हेलो स्टूडेंट, आज मैं सेकंड ईयर ईजी की एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपको 14 पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है सॉयल एसिड, जिसमें अम्लीय भूमि को सुधारने के उपाय हैं। सबसे पहला है चूने का प्रयोग। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूना देने के समान ढंग होते हैं, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम चूना जिसको CaCO3 बोलते हैं हम लोग, कैलेक्स जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है डोलोमाइड, जो चूना पत्थर होता है जिसको CaMg ब्रैकेट में Ca3 का होल ट्वाइज होता है, बिना भुजा हुआ चूना जिसको हम CaO बोलते हैं, भुजा हुआ चूना जिसको हम Ca(OH) का होल ट्वाइज बोलते हैं, और खड़िया जिसको हम CaCO3 बोलते हैं आदि होते हैं। चूना मिलाने पर निम्न प्रतिक्रिया भूमि के अंदर होती है। जो पहली प्रतिक्रिया है वह है जब चूना किसी भी रूप में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है तो CO2 से क्रिया करके बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इसका जो समीकरण होता है वो नंबर एक है CaO+H2O = CaOH2, फिर इसका दूसरा समीकरण है Ca(OH)2+2H2CO3 = CaHCO3+H2O। दूसरा समीकरण होता है CaCO3+H2CO3 = CaHCO3+H2O, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। दूसरा है चूने के प्रयोग से कैल्शियम और मैग्नीशियम कोलाइडी सामिश्रण पर एच धन आयनों को व्यवस्थित कर अधिक शोषित हो जाते हैं, जैसे एच और एच धन आयन ये है कोलाइडी सामिश्रण पर ये आपके इकट्ठे हो रहे हैं, प्लस सीए और ब्रेकेट OH का होल ट्वाइज ये विस्थापन की क्रिया कर रहा है, CA फिर कोलाइडी सामिश्रण है प्लस 2H2O। दूसरा है कोलाइडी सामिश्रण पर H धन आयन लगे हुए हैं आपके दो, प्लस CaHCO3 का होल ट्वाइज विस्थापन की क्रिया हो रही है, CA कोलाइडी सामिश्रण है प्लस 2H2O + 2CO2। अगला है चूने को महीन पीसकर वर्षा के प्रारंभिक दिनों में मिलाना चाहिए। चूना मिलाते समय खेत सूखा होना नहीं चाहिए। नंबर तीन, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि का अम्लीय भूमि में प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, चौथा है आपका अम्लता रोधी या अम्ल सहिष्णु फसलें। अधिकांश कृषि फसलों के लिए अम्लीय भूमि अनुकूल नहीं होती है। कुछ फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक अम्ल सहनशील होती हैं, जैसे धान, जई, अलसी, राई, मक्का, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, आलू, शकरकंद, टमाटर, मूली, सेम, चुकंदर, गन्ना आदि। यदि स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।